ना कर, ये वाकई ये बुद्धा केव्स है। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम जा रहे हैं जो रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है, जो रिसेंटली इनॉग्रेशन हुई है जिस ट्रेल की, द मार्गलर रिज ट्रेल। हम उसको उसकी इन्फॉर्मेशन लेने जा रहे हैं कि वो कहाँ से स्टार्ट होता है, और आज तो सिर्फ हम इन्फॉर्मेशन ही लेंगे तो नेक्स्ट पे वी आर प्लानिंग कि हम सैटरडे को इंशाल्लाह वहाँ पे फिर जाएंगे। तो अभी हम उस ट्रेल की तरफ जा रहे हैं। ये ट्रेल है शाला देता विलेज के अंदर, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये वहाँ से जाता हुआ बिल्कुल ऑन टॉप ऑफ मार्गला हिल्स, ये वहाँ पे निकलता है तलहाड़ से ऑन पीर सोहावा रोड, और पीर सोहावा से आगे फिर ये वही फरेला वाली साइड से होता हुआ ये घोड़ा गली और मरी वाली साइड पर निकलता है। तो इट्स अराउंड 44 किलोमीटर्स लॉन्ग। तो फरेला वाला ट्रैक तो हमने, जो ट्रेल है हमने पहले, वो काफ़ी टाइम हम वहाँ पे जा चुके हैं, बाइक्स पे ही जा चुके हैं। तो यहाँ से हम बेसिकली देख रहे हैं कि शाला दित्ता से जो तलहाड़ तक का जो रास्ता है, शाला दित्ता से तलहाड़ तक का, वो कैसा है कि क्या उस पर सिर्फ ट्रैकिंग हो सकती है, हाइकिंग हो सकती है, या उस पर हम जो है ना बाइक भी लेके जा सकते हैं। तो आज यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे, और अगर तो बाइक जा सकती होगी तो दैट्स वेल एंड गुड, तो फिर सैटरडे को हम आ रहे हैं, और अगर बाइक नहीं भी जा सकती तो फिर भी हम सैटरडे को, इस सैटरडे को या नेक्स्ट सैटरडे को जब भी बना पॉसिबल हुआ तो हम यहाँ विज़िट करने आ रहे हैं। देखिए कि इस ट्रैक को, सुनने में तो यही आ रहा है कि जो इनॉग्रेशन स्पीच थी जो डायरेक्टर हैं फॉरेस्ट डिवीजन या वट एवर जो भी उनकी है अथॉरिटी, उनके जो डायरेक्टर हैं, तो उनकी जो स्पीच थी उसमें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था कि काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं ट्रेल में और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो तलहाड़ तक हम जाएंगे, तलहाड़ से फिर वापस जो है ना। तो आज बेसिकली हम इसलिए जा रहे थे कि हम देखते हैं कि क्या हमें पार्किंग अवेलेबल है, हम अगर बाइक हम यहाँ पे छोड़ें बाइक्स और वहाँ से फिर हम जाएँ, और फिर तलहाड़ से हम वापस जो है ना कैब के ज़रिए वापस हम अपनी बाइक्स ले लें। अच्छा जी, साधू का बाग एंड बुद्धा केव्स, शाला दित्ता। ये जी, हम शाला दित्ता के ट्रैक पे आ गए हैं। उई फसल, मिट्टी उड़ाते हुए जा रहे हो यार, ओफ मिट्टी उड़ाते हुए फसल जा रहा है। इट्स गोना बी सनसेट एंड वी आर ऑन शाला दित्ता ट्रैक। मार्गला रिज ट्रेल को की इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम जा रहे हैं, और मैं और फैसल एज ऑलवेज। वाओ, लुक एट द सनसेट। पता नहीं आप लोगों को नज़र कुछ आ रहा है या नहीं, बट मुझे तो बहुत प्यारा सन नज़र आया, दैट इज़ सेटिंग डाउन। ओके, यहाँ से हम 2 किलोमीटर्स बुद्धा केव और साधु का बाग। अच्छा अच्छा ना कर, रोक, ये वाकई ये बुद्धा केव्स है। तो बुद्धा केव्स देखी है, आई थॉट के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, लेकिन मज़ा नहीं आया यार। यार किसी से पूछना लेने रास्ते का, इन रेस्टोरेंट वालों को पता होगा यार, किसी शॉप वाले या उनको ना। कहते हैं ऊपर कोई बोर्ड शोर्ड लगाया हो, क्या पता। वैसे लगाना तो चाहिए यार। फाइनली वी आर ऑन द वे बैक। रिजल्ट ये निकला कि किसी को भी नहीं पता यहाँ पे कि ये न्यू ट्रेल जो उन्होंने मार्गला रिज ट्रेल का जो इनॉग्रेशन की है, इतनी धूमधाम से एक सेरेमनी और एक इवेंट जो है ना उन्होंने अरेंज किया, तो किसी को भी, नो वन नोज अबाउट द ट्रेल,
हमने हर जगह से पूछा, इवन जो है बड़े रेस्टोरेंट्स हैं हमने वहाँ से भी पता किया, लेकिन किसी को भी इसका कुछ पता नहीं कि यहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन लोग ये भी कह रहे थे कि यहाँ से कोई भी रास्ता यहाँ से पीर सुहावा या तिलहाड़ गाँव की तरफ नहीं जाता। तो बताया जाए कि जो इतनी इनाग्रेशन करके जो एक आपने कहा कि जनाब उसके आर्टिकल्स भी छपे, प्रो पाकिस्तानी में भी उसका आर्टिकल दिया गया, तो हमें बताया जाए कि वो ट्रेल कहाँ पे है, यहाँ कहाँ से वो स्टार्ट होता है ताकि हम उस पर जा सकें। लेकिन आज तो हम फेल हो गए, हमें ट्रेल नहीं मिला और हम बिल्कुल एंड पे गए जहाँ भी रोड ख़त्म हो रही है, आगे से गाँव है और हम वहाँ से भी वापस आए। तो ऐसे ऐसे हमें कहीं भी कुछ नज़र नहीं आया। अगर किसी को भी इसका आंसर है, किसी के पास किसी को भी पता है, कोई इन्फॉर्मेशन है, जो लोग हाइकिंग लवर्स हैं अगर उनको पता है तो काइंडली आप कमेंट करके बताइए। सो आई एम एंडिंग माई टुडेज वीडियो ओवर हियर, सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। डू गिव मी अ लाइक इफ यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।